हे गाइस, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा डे टू है लूसेंट का। हमने डे वन सक्सेसफुली कल ख़त्म कर दिया था। ये हमारा डे टू है। डे टू में हमने हिस्ट्री कर लिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो हिस्ट्री क्लास देख लेना एक बार डे टू का। ये हमारा ज्योग्राफी हम मैं पढ़ाऊंगी। अभी 10 to 15 मिनट्स में आपको ज्योग्राफी कम्प्लीट कराऊंगी। इसके बाद पॉलिटिक्स होगा, फिर साइंस का एक टॉपिक होगा। ऐसे करते करते हमने बोला था 45 डेज में ख़त्म करेंगे। आज डे टू है और हमारे 43 डेज लेफ्ट हैं आज के बाद। ऐसे करते करते आपका पूरा लूसेंट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? चलो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखा तो पहले जाके डे वन से देख लेना। एक ही दिन हुए हैं तो आप जल्दी से कवर अप कर सकते हैं एक ही दिन में। हाँ, तो देखते हैं हम कहाँ तक कर चुके थे। हाँ, ज्योग्राफी का ही क्लास है तो ये सब हमने कर लिया था। यूनिवर्स के बारे में थे हम। यूनिवर्स के बारे में ये पूरा हो गया था, ये हमने कर लिया था, ये भी हो गया था। हमने सन तक पढ़ लिया था। आगे हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लैनेट्स में सबसे पहले आते हैं मरकरी। मैंने आपको बताया था मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। प्लूटो नहीं है प्लैनेट, लेकिन प्लूटो को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम कैसे याद रख सकते हैं? माई वेरी एक्सेलेंट मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट्स। ऐसे आप याद रख सकते हो। अगर आपके पास भी पहले से कोई ट्रिक है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं भी जान लूँगी और आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मतलब बस याद रखना है आपको। हम देखते हैं मरकरी में सबसे पहले जो है, आपको जैसे कि पता है ये फर्स्ट प्लैनेट है। और कुछ कुछ चीज़ें अगर आप ऐसे याद रखोगे आपको वैसे याद हो जाएगा, ठीक है? जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ सिर्फ वही पढ़ना है आपको, इसके अलावा नहीं पढ़ना। मरकरी जो है सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है, ये एक्सट्रीम हॉट प्लैनेट है, ये हमें नहीं पढ़ना क्योंकि सबसे एक्सट्रीम जो हॉट होता है वीनस होता है, ठीक है? मरकरी से भी ज़्यादा। तो वीनस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ना कि मरकरी में। अब ये जानना इंपॉर्टेंट है कि मरकरी प्लैनेट जो है इसमें कोई भी वाटर नहीं है। द प्लैनेट हैज़ नो वाटर। और इसमें कोई भी गैस नहीं है। मरकरी में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी गैस नहीं है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई ओजोन लेयर नहीं है जो इसको हार्मफुल रेडिएशन से बचा सके, याद रखना। ये ओनली ऐसा प्लैनेट है जिसमें कोई ओजोन लेयर इसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, मरकरी, ठीक है? अब नेक्स्ट है वीनस। वीनस हमारा सेकंड प्लैनेट है जैसे कि आपको पता है। और ये नियरेस्ट प्लैनेट है अर्थ से और ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, याद रखना। विच इज ब्राइटेस्ट प्लैनेट एग्जाम में आए तो वीनस है। इसको इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, इसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, क्योंकि आप अगर 4 बजे उठते हो, 4 साढ़े 4 बजे जो आप देखते हो, एक स्टार दिखते हैं चमकता हुआ, बड़ा सा एक स्टार दिखेगा। वो नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा होता है और आप देखते रहे, सबने लाइफ में देखा होगा। और इवनिंग में भी दिखता है 6:30 के आसपास। तो हमारा क्या है, वो वीनस है एक्चुअली वो, ठीक है? हमारा कोई स्टार नहीं है, इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार उसको कहते हैं हम, वीनस है। और इसको हम अर्थ के ट्विन भी बोलते हैं। और इसके ऊपर जो है, जैसे मरकरी का कोई ओजोन लेयर नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो कवर है वो काफ़ी थिक क्लाउड से कवर है, ठीक है? वो एक्चुअली उसमें किस चीज़ से, CO2 से कवर है, कार्बन डाइऑक्साइड से कवर है, इसलिए काफ़ी हॉट माना जाता है। ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, याद रखना, ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है। वीनस इज अ हॉटेस्ट प्लैनेट, इवन हॉटर देन मरकरी, जबकि मरकरी सबसे आगे है लेकिन वो हॉट होना चाहिए, बट ये सबसे ज़्यादा हॉट है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो थिक कवर है, इसे इसे विल्ड प्लैनेट भी बोलते हैं, याद रखना, इसे विल्ड प्लैनेट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर थिक क्लाउड कवर है, जिसका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, जो अंदर हीट को तो ले लेता, ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन वो इमिट नहीं करने देता, उसे बाहर नहीं निकलने देता, हॉट को अपने अंदर ही रखता है। इस वजह से ये ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट बन जाता है, ठीक है? इसके पास कोई वाटर नहीं है, वीनस के पास कोई वाटर नहीं है, इसके पास सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर हम नहीं रह सकते और हीट भी बहुत है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है? अब आते हैं आप हमारे अर्थ पे। अर्थ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, जिसपे हम रहते हैं उसे तो पता ही होना चाहिए। अर्थ हमारा इनर, ये हमारा थर्ड है इनर प्लैनेट में से, याद रखना। जो हमारा इनर प्लैनेट कौन कौन सा है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, क्योंकि उसके बाद क्या आ जाता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट आ जाता है ना, तो एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद वो हमारा आउटर प्लैनेट बन जाता है। इससे पहले जितने भी होते हैं वो सारे हमारे इनर प्लैनेट होते हैं। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स जो है ये हमारे इनर प्लैनेट है, जिसमें से जो अर्थ है वो हमारे लार्जेस्ट प्लैनेट में आते हैं इन चारों में से, याद रखना। हमारा जो अर्थ है वो हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट है इनर प्लैनेट में से, और ऑल ओवर देखा जाए तो जुपिटर है, ओके? हाँ, ये जो है हमारे जो टिल्ट है, कितना टिल्ट है, 23.5 डिग्री टिल्ट है। टिल्ट मतलब झुका हुआ, ऐसे हमारा अर्थ ना सीधा नहीं है, ये जो है इसका जो पार्ट है ना, इसको थोड़ा सा इस साइड में है, ठीक है? थोड़ा टिल्ट है, इसलिए इसका एंगल जो बनता है वो क्या बनता है, 66.5 डिग्री बनते हैं, याद रखना गाइस। एग्जाम में इन दोनों को, ये दोनों ऑप्शन आएगा, आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि कौन सा ऑप्शन है, आप दोनों में से आपको लगेगा कोई भी एक आंसर होगा, टिक करके आ जाओगे, लेकिन याद रखना कभी भी ये पूछेंगे टिल्ट, टिल्ट
मतलब मुड़ा हुआ टेढ़ा हो रखा है कितना 23 हाफ डिग्री सेल्सियस, और इसका एंगल कितना बनता है 66 हाफ डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और पूरा एक रोटेशन लेने में, रोटेट करने में एक्सिस को, अपने आप को रोटेट करना, अपने आप रोटेट मतलब अपने आप को घूमने में, रिवॉल्यूशन मतलब सन को घूमना, रोटेट मतलब अपने आप को घूमना, तो कितना टाइम लेता है ये 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड्स, ठीक है। एक समय में आ सकता है ये, हाँ एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हम रफली बोलते हैं 24 घंटे क्योंकि हम ऐसे याद नहीं रख सकते, पर्टिकुलरली हर इंसान नॉर्मल इंसान ऐसे याद नहीं रख सकता, इसलिए हम राउंड फिगर में 24 आवर्स बोल देते हैं। और वैसे कितना होता है 23 आवर्स 56 मिनट्स और 4, ऐसे याद रखना, ये देखो 23 आवर्स 4 मिनट इसमें कम है, तो 4 मिनट कम है ना उसका 4 सेकेंड बना देंगे हम, ठीक है। ऐसे करके कर कुछ याद रख सकते हैं, इसको अपने आप घूमने में टाइम लगता है। और पूरा रिवॉल्यूशन लेने में इसको कितना टाइम लगता है 365 डेज 5 आवर 48 मिनट्स, ठीक है। हम कितना बोलते हैं 365 डेज लगते हैं घूमने में, ये 5 घंटे 48 मिनट्स जो है ये पूरे 4 साल में एक दिन बनाता है, इसलिए हम फरवरी को 29 डेट आता है जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है। 4 ईयर में इसलिए बनता है क्योंकि हर साल ये 5 घंटे 48 मिनट लो, और ऐसे आप 4 साल चलोगे तो पूरा एक दिन बन जाएगा, और एक दिन जो है वो 29 को बनता है, इसलिए 28 के बाद 29 लीप ईयर में 14 साल आता है हमेशा, ठीक है। इसलिए हम लीप ईयर बनाते हैं, उस दिन एक एक्स्ट्रा दिन मिल जाता है हम लोग को। ये याद रखना 365 डेज 5 आवर 48 मिनट्स। अर्थ को हम, ये आपको पता ही होगा, वाटरी प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें ब्लू दिखता है और इसमें बहुत सारा पानी है, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर है, तो इस वजह से हम इसको वाटरी प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ये तो पता ही है, अभी तक का नोन प्लैनेट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करता अर्थ है हमारा वो। इसमें हमारे पास CO2 है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, कार्बन है, कार्बन है किस किस फॉर्म में, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है। हाँ अर्थ जो है ये हमारा ना कि ज़्यादा हॉट है ना ज़्यादा कूल है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा करेक्ट है एकदम, जैसे ये नहीं है कि हम ज़्यादा ठंड से मर रहे हैं, लोग मरते हैं लेकिन ऐसा नहीं, इस प्लैनेट में हम रह सकते हैं, ठीक है, रहने लायक प्लैनेट है ये, इसलिए इसको हम बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन, ठीक है। ये कौन सा जोन है, 4 टाइप का आ सकता है, अर्थ को हम कौन सा जोन बोलते हैं, गोल्डीलॉक्स जोन बोलते हैं क्योंकि ज़्यादा हॉट भी नहीं है ना कोल्ड है, ओके। ये हमारे अर्थ में जितने भी हमारे प्राणी हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी पेड़ हैं, जितने भी हम ह्यूमन बींग्स हैं, उन सब के लिए सूटेबल वेदर है, वेदर कंडीशन है, इसलिए ये कोल्ड लॉक जोन है, ठीक है। अर्थ के पास आपका पता ही ओजोन लेयर है, ये सब तो पता ही, एग्जाम में आएगा भी नहीं। हाँ हमारे अर्थ में एक मून है, ओनली 1 सैटेलाइट है, उसका डायमीटर याद रखना 3475, 3475, आप ऐसे याद रख सकते, देखो 3 4 3 4 याद रख लिया तो 3 + 4 कितना होता है 7, ठीक है, और 4 के बाद क्या आता है 5, 3 4 5 तो है साथ में, ठीक है, इसके बीच में क्या घुसेगा 3 4 3 + 4 कितना होता है 7, ऐसे एक बार ऐसे याद रख लोगे ना अपने आप ही वो एक आइडिया बन जाता है, तो आप ऐसे कुछ करके याद रख सकते हो, कितना सारा नंबर है याद होना में मुश्किल है, तो 3 4 याद है, तो 3 4 के बाद क्या आता है 5, वो 5 बाद में आएगा, बीच में क्या आएगा 3 + 4 7 आएगा, तो इसका डायमीटर इतना है, तो इसका रेडियस इजिली निकल जाएगा। और हाँ इसको जो रिवॉल्यूशन रोटेट करने को, अपने आप को रोटेट कितने टाइम पे करते हैं 27 डेज 7 आवर्स 43 मिनट्स में, ठीक है। रोटेट करने में कितना टाइम लगता है 27 डेज 7 आवर्स 43 मिनट्स लगते हैं इसको, इसी को हम कहते हैं सेडरल मंथ, ओके, इसको सेडरल मंथ बोलते हैं। और इसको रिवॉल्यूशन लेने में, हमारे अर्थ को रिवॉल्यूशन पूरा घूमने में कितना टाइम लगता है 29 डेज अप्रॉक्स लगता है, 29 डेज 12 आवर्स 44 मिनट्स, अपने आप को घूमने में 27 डेज 7 आवर्स, ठीक है, 27 इसी का 7 आवर्स ऐसे याद रख सकते हो, और रिवॉल्यूशन लेने में 29 डेज, 2 दिन ज़्यादा, 29 डेज 12 आवर्स 44 मिनट्स, इसको हम क्या कहते हैं साइनोडिक मंथ, ठीक है, इसको सेडरल मंथ बोलते हैं, इसको साइनोडिक मंथ बोलते हैं। साइनोडिक मंथ में कितना घूमते हैं ऐसे सीधा आप सवाल पूछ सकते हैं, टफ बन जाता है लेकिन आ सकता है। और इसका हाँ मून का सरफेस, मून का टोटली 59% टोटल सरफेस हमें विजिबल होता है, बाकी हमें विजिबल नहीं होता, 41% जो है वो हमें नहीं दिखता, ओनली जो दिखता है हमें 59% दिखता है, एग्जाम में आ चुका है, दोबारा आ सकता है, CGL में नहीं आया था, किसी और एग्जाम में आया था, मुझे ध्यान नहीं है आया था, ये 59% जो है इसका मून का सरफेस दिखता है, बाकी पार्ट हाइड रहता है, हमें नहीं दिखता। सी ऑफ ट्रैंक्यूलिटी,
ये डस्ट पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है, ये हमेशा डार्क रहता है, याद रखना, ये हमेशा डार्क रहता है और हाइट रहता है, दिखता भी नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। और यहाँ पे हाईएस्ट मून भी है, सॉरी हाईएस्ट माउंटेन है इस मून में। हाईएस्ट माउंटेन का नाम क्या है, लिब्यूलिटी माउंटेन। लिब्यूलिटी माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन का नाम पूछ सकते हैं मून में, तो लिब्यूलिटी माउंटेन होगा जो 10,600 मीटर है, ठीक है, अप्रोक्स 10,660 मीटर्स है। इसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई साउंड नहीं है, कोई लाइट नहीं है इसके पास खुद का, ठीक है। और डे टाइम में इसका 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो नाइट में 180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, क्योंकि इसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वैसे ही चेंज हो जाता है। लाइट हमारे अर्थ तक पहुंचने में इसको 1.3 सेकेंड लग जाते हैं। द लाइट फ्रॉम द मून टेक्स 1.3 सेकेंड टू रीच द अर्थ। अगर समझ लो इसका ऐसे, इसका मतलब ये है, अगर समझ लो एकदम से अर्थ वो मून गायब हो गया, ठीक है, तो हमें 1.3 सेकेंड बाद ही वो गायब होगा, ठीक है। 1 सेकेंड तक तो दिखता रहेगा, आई नो बहुत कम टाइम है, लेकिन आपको समझाने के लिए सबको समझ में आ जाएगा। टोटल 1.3 सेकेंड में लाइट पहुँचता है हमारा, ठीक है। साइज ऑफ द मून हमारा कितने से ज़्यादा छोटा है, 4 गुना है हमारा अर्थ, 1/4 टाइम हमारा बड़ा है। हम अर्थ को 4 भाग में बांट देंगे, तो इसका जो 1 भाग है ना, उतने साइज का मून है हमारा, ठीक है, ये याद रखना। 1/4 साइज है हमारे मून का। ग्रेविटी कितना पुल करता है, 1/6 टाइम्स, ठीक है, मतलब हमारा जो मास है वहाँ पे कितना हो जाएगा, 6th टाइम हो जाएगा। यहाँ पे अगर 60 है मास, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, उसी मास का हमारा मास 10 हो जाएगा, ओके। वेट तो हमारा उतना ही रहेगा, वेट ना कभी चेंज नहीं होता, लेकिन मास चेंज होता रहता है। मैं आपको फिजिक्स में बताऊंगी इस बारे में। और मून में क्या क्या पाया जाता है, सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब पाया जाता है, ये आ सकता है, छोटी छोटी बातें ये सब आ सकते हैं, आप जल्दी जल्दी पढ़ते हुए जाओगे तो आपको याद हो जाएगा। सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम, ये मून में पाया जाता है। अब स्टडी ऑफ मून को क्या बोलते हैं, सेलेनोलॉजी, ठीक है, सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी, ऐसे ऐसे स्प्लिट करके पढ़ोगे ना, दिमाग में उतना ही बैठेगा, ठीक है। तो स्टडी ऑफ मून को क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी बोलते हैं। मून को हम फॉसिल प्लैनेट भी बोलते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है स्टडी ऑफ मून को क्या बोलते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके गाइस। अब मार्स का देखते हैं, मार्स हमें रेड कलर का दिखते हैं, उसे हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है, उसे हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके पास बहुत सारे आयरन है, आयरन रिच रेड रेड सॉइल है। उसका स्काई जो है, यहाँ तो ब्लू है ना, वो वहाँ पे रेड है, पिंकिश कलर में वहाँ दिखता है, ठीक है, इसलिए वो रेड प्लैनेट बोलते हैं उसको, क्योंकि उसके पास बहुत सारा आयरन है। उसके पास 2 सैटेलाइट है, 2 मून है, फेबोस एंड डेमोस, ठीक है। ये डेमोस जो है ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट मून है, याद रखना, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉलेस्ट मून जो है वो डेमोस है। और जुपिटर का पढ़ते हैं, जुपिटर जो है लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, आपको बता दिया, लार्जेस्ट लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इसको हम विंटर प्लैनेट भी बोलते हैं, याद रहे। नेपट्यून को हम नहीं बोलते, आपको कहीं ऐसा लग रहा होगा एकदम से एमसीक्यू में आ जाए, कन्फ्यूज हो जाओगे, बोलोगे नेपट्यून के बोलते हैं, लेकिन नेपट्यून को नहीं, हम जुपिटर को बोलते हैं। इसका एवरेज टेम्परेचर ही 1-148 होता है। गैनेमेड, गैनेमेड जो है ये इसका सबसे लार्जेस्ट मून है, ये एग्जाम में आ चुका है। लार्जेस्ट मून गैनेमेड है, और स्मॉलेस्ट मून हमारा कौन सा, डेमोस है, सैट है उसका, मार्स का, ठीक है। अब सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा हो जाएगा, सैटर्न हो जाएगा। और ये इसमें क्या है, रिंग जो है ना वो इसी का, रिंग किससे बना हुआ है, आइस एंड आइस कवर्ड होता है उसके रिंग में, जो आई एम जो हमारा उसका रिंग है, जो प्लैनेट के जो रिंग बनता है वो आइस और आइस के डस्ट पार्टिकल से बना होता है। यूरेनस को हम ग्रीनिश प्लैनेट बोलते हैं, ग्रीनिश इसलिए क्योंकि इसके पास मिथेन गैस प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं। इसको जो डिस्कवर किया था, ये सर विलियम हर्शल ने किया था, विलियम ने किया था 1981 में, इम्पॉर्टेंट है। और ये हमारा जो है ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, ठीक है, वीनस की तरह, वीनस और ये ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, और ये इसको हम प्लैनेट ऑफ इट साइड्स बोलते हैं, ओके। नेपट्यून में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम बोलते हैं ट्वीन बोलते हैं इसका, और ये लास्ट प्लैनेट है। इसके अलावा इसके कोई इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, इसके हमने पूरा प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिया। अब आगे क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे हम। प्लूटो कोई प्लैनेट नहीं है, बता दिया, ड्रॉप प्लैनेट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लेना। डेली हम ऐसे ही 3 से 4 क्लासेस, सॉरी पेजेस, हम कंप्लीट करते हुए चले जाएंगे और 45 डेज में कंप्लीट कर लेंगे, ओके गाइस, ओके, बाय बाय, टेक केयर।